देख सकते हैं कि किस हो रही है, इसको उठाना चाहे, नो बिठा कहती दीदी की उठ जा, कर बोल दे, ऐसे बोल दे, उठ जा उठ जा, कंबल उठा दे दीदी को, कंबल उठा दे, ठंड लग रही है दीदी को, ठंड लग रही है, हाँ कंबल उठा दे बेटा, उगाड़ रही तू तो खिसला, उठा दो, नीनू नीनू आ रही है दीदी को, नीनू आ रही है किशु को, कीकू को, कीकू को, आ नीनू करा दे, ऐसे ऐसे करा दे, नीनू नीनू कैसे कराता है किशु, ऐसे लाडू कर दे, दीदी के लाड कैसे करेगा अपने के कीका के, उम्मा सो रही है दीदी तो, सो रही है, जबरदस्ती सुला रहा है इसको, उठ गई अभी ये, उठ गई नीनू, उठ गई की नीनू से, अरे किशु ना ना बेटा ना ना, न्यू न्यू मामू, न्यू न्यू कहाँ है मामू, कहाँ गया तेरा, कहाँ है किसलू का मामू, हैं मामू, न्यू न्यू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, किशु मोटी है नीचे, कहाँ जाएगा वो मुझे नहीं पता, बहुत पिट्टी करता है वो, उधर गुड्डा तो छो रही है यहाँ पे, गुड्डा बोल गुड नाइट, गुड नाइट, गाइस हमारे गुड्डू बहुत नींद में है, दवाई जैसे बोलती है गुड नाइट ऐसे बोलते हैं, और गाइस इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इतना ख़राब सा मौसम हो रहा है, क्या ही बताऊँ आप लोगों का, हम लोग तो कंबल में दुब के बैठे हैं, वहाँ बैठे वो ठंडी है किसलू, मेरे को भी स्वेटर पहनना पड़ेगा बेटू, किसू गिर जाएगा बेटा, गिरेगा तो क्या होगा फिर तेरा, है किसलिए, एक इसलिए किसलू। तो गाई जी आप लोग हमारा देख सकते हैं, न्यू बेड बनवाया है ये वाला, हम लोगों ने हॉल के लिए, मेरे रूम के लिए तो था वो थोड़ा छोटा था, तो हम लोगों ने ये बनवाया थोड़ा बड़ा सा बेड, आप लोग बताना मैं पूरा दिखाऊंगी कभी आप लोगों को अच्छे से, अभी तो हम लोग, मैं इनका ध्यान रख रही थी दोनों का, तो मैं पूरा दिखा नहीं सकती, तो ये है हमारा किचू डॉन खेल रहा है, हमारा गुड्डा नीनू नीनू करके उठा है अभी, तो इनको देखते हैं क्या चाहिए इनको खाने पीने को, देखते हैं बच्चों का, कहाँ है मामू, घी घी मामू, घी कहाँ गया मामू, कहाँ गया मामू, मामू कहाँ गया खिसल हुआ, कहाँ है मामू, मामी कहाँ है किसी की, और नाना कहाँ रहेगी किसलिए, बड़े नानी से बात कराऊँ ना तेरे को, हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं अभी जाने वाली हूँ, जो मोनू मोनू मैं बोलती रहती हूँ ना, बच्चों को रखती है काफ़ी बार, मेरी बुआ की बेटी इधर ही है हमारे पास में ही है, मेरे ससुराल में ही है, तो उनके घर पे कोई आया है मेरे पीहर की साइड से, तो उसकी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले, मैं शादी में तो नहीं जा पाई थी, पर सोचा अभी उनसे मिल लेते हैं, बुआ जी ने बुलाया तो चलते हैं उनके घर पे बच्चों को लेके, उनको जैसे उनकी शादी में मैंने गई थी, उनको कुछ दिया नहीं था, तो मैं साड़ी वाड़ी कुछ निकाल दी है, एक साड़ी तो मैं वो भी लेती हूँ रास्ते में, मतलब बाहर रख दी थी मैंने, और पोली बैग लेती हूँ, मेरे को पोली बैग मम्मी से पूछूँ मिल नहीं रहा कहाँ पे है, कौन सी अलमीरा में है, कौन सी में है, देखते हैं मम्मी से पूछती हूँ नीचे, यहाँ तक तो मिल नहीं रहा, नीचे मौसी के पास से लेते हैं, और बच्चों को लेके चलते हैं, मिलाते हैं आपसे, किसकी शादी हुई थी, मैंने अभी ले लिए साड़ी, और मारे मौसी यहाँ करेंगे, आप बोले दिन बाद ले आपने, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है, मम्मी लोग ऐसे करते हैं, और मारती शॉपिंग करता रहा मम्मी, ऐसा कर रहा शॉपिंग का बैग तो भी, गुड्डू कहाँ जा रही है, चलेगा क्या किशु, किशु तो इधर ही खेल लेगा, और किशु यहाँ धूप में खेल रहा है, और ये गुड्डा कत 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 क्या करे तू, दूध कौन काट के ले आऊंगी, बाल्टी ले ले तेरी की, आ रही बाल्टी, आ रही आ रही आ रही, आ कौन नहीं हूँ कौन कट्टे तेरू, वो ले ले, हाँ आ ले ले तू तो, पॉलीथीन ले ले तू तो, पॉलीथीन ले ले, लेके चाल ले आपने, आ की गिर दिया मुझसे चाबी, की मध्य करू चाबी चुबी, वो तो भाई दूर ही दे मुझसे, हम वो गेरा को नहीं, हाँ वो संभाल के बहुत रखा कोई चीज़ नहीं, ले तेरी कैप ठीक कर दूँ किचू, ले कैप ठीक करे मम्मा, मारे किसी को गेरे चाबी, चलो 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 चले, मुन्नू वो पॉलीथीन तो ले लेगी मम्मी, कहाँ चल रहा है किसी, मोनू किसके घर चल रहा है किचू, मोनू के घर चल रहा है क्या है, मोनू कद मोनू कहाँ है, मोनू कहाँ है, मोनू कीकू ने
जाओ जाओ। ओहो इतनी शर्मारी क्यों है? मैं तेरी मोनू दीदी बार बार चल रही किकू किशु आजा किशु मोनू नाराज होंगे किशु मेरा कौन बोले चलो खेल से ना तो फिर तो खेलने लग जी सी राजी हो जाए हमारे किकलो दीदी। हाँ किकू कह लाड कर मासी का लाड कर दे तू थोड़ा तो लाड कर ले बस और भी दे दे थैंक यू और चाहिए तुम्हें भी क्या लोगे ये किससे बात करेगी गुड्डू किससे बात करेगी किकी मौसी से अच्छा ये भी सर लेवेगी उजून पाछे तन देवेगी रही करेगी बैठ जा बैठ जा किकी किकी बैठो सिट डाउन सिट डाउन हाँ वाह गुड्डा कटो तो बहुत सुंदर है सर्दी में काम चलता है तो कौन बोलते ये लगे काम किशु मोनू का देता है कहाँ है मोनू मोनू का घर ही नहीं है बोल दो नहीं है घर नहीं है ना नहीं है ना किशु किशु ये सब शर्मा है जब भी हमारी बन रही है चाय लाइटिंग है इसमें थोड़ी कम इसलिए आप लोगों को मैं काली काली थोड़ी नजर आ रही हूँ नहीं नहीं खिड़की की तरफ कर चाय बन रही है एक साइड हो रही इतनी ज्यादा ठंड इधर इतनी इतनी ठंड इधर इतनी ठंड सच में यार मन लागी कोनी गांव में मैं ऐठे आई जाना मम्मी इतना करेगी बहुत ज्यादा ठंड है भाई ऐठे कोनी यार आजकल एक दो ही पराठा अभी जहाँ तीन पराना पड़े हैं अति ठंड हो रही है दिन ये हमारी सैंडविच ये बना रही हमारी सेफ और बाड़ेंगे इन तो गर्म बन रही है सैंडविच और मैं सैंडविच खा के ही जाऊंगी ऐसे नहीं जाने वाली हम भेजेंगे खिला के अब से तो जानो थोड़ी कपड़ा में है तो किस सुबह एक ही आवे हमेशा बन गए हमारी सैंडविच घी वाली सैंडविच हम लोग घी डालते हैं हमें पसंद नहीं है ऑयल ऑयल की है ना मैं भी हमेशा घी में ही बनाऊंगी तेल की स्मेल सी हो जाए थोड़ी घी को टेस्ट अलग ही रहे हाँ घी को अलग ही रहे मैं को नाश्तो बनाऊंगा घी के रूप तेल को बड़ी रोज की खाना को बैठे फिर आप तो तनवेरो ये घी डाला और यहाँ खाई थी घी तो घी खानो भी चाहिए नुकसान भी कौन करे हेल्दी हेल्दी रहे अब ब्रेड लिया है सोनू बड़ी मशीन पड़ गई छोटी एक उनके वो भी आवे ना एक बयां करना क्यों कोनी पड़े कोनी वैसे कोनी वैसे अजीब सो जाए कई जलेड़ा सारे एक अंदर जति बढ़िया सीखन है बत्ते बढ़िया बन सीखन बने लगा मन तवा पर करनी पड़ी तवा पर मन बढ़िया लगा जाता है किसी को मैं हमेशा तवा पर ही बनाऊं मशीन में तो ले आवे कोंडा की जयपुर में भी है ये बना मन तो ज्यादा ही पर बढ़िया लगे पर ज्यादा बटर लगे ये क्या ज्यादा लगे मैं तो भी पूरी बनाऊं ये पर वेट कतो करना पड़े तो ये पर जल्दी तुरंत सीख लो बस ठीक है मशीन मशीन को नहीं लगाओ साफ करो लगाओ पलक में चार्ज भी कौन खत्म हो लाइट भी कौन बड़े हाँ झंझटी को नहीं एक तो ले के आओ ना मशीन मशीन पिसा वेस्ट करो जगह रखो अब से तो आ रही है दूसरी अब चेंज हो गई तो मम्मी आपने ऐठी मम्मी पूरी पहले ही ले ली है दादी जी आ रही है सागे ले ली माली मौसी आ गई थी जब से तो खाया ही बहुत था सैंडविच नया नया नई नई चीज पर चाहोगी तो रहे निम्न डाले हुए
खाती हूँ उसको सोस दे भाई हाँ, सोस तो बिना अधूरी सारी चीजें मैं तो खुद ना सोस बहुत बढ़िया हाँ, क्योंकि वो पकौड़ी वकोड़ी बोलती सोस के बिना बढ़िया ही लगे बिल्कुल टेस्टी बना। चलो अभी हम लोग खाते हैं सैंडविच और मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे बनाई है मालूम कि मैं तो बड़ी चीज़ बनाऊँ मन गाजर को लो भी खिलाई वो भी मैं खा ली ठूक ली उसके बाद मैंने चाय पी ली उसके बाद मैं खा रही हूँ अभी सैंडविच और क्योंकि हमारे खेल लिए किस गए वापस घर पे अपनी दादी के साथ अपनी माँ के साथ माँ का लाडला कई बार सैंडविच काफ़ी अच्छी उसको ना काफ़ी अच्छी सैंडविच है पता नहीं क्या क्या बनाना आता है और हम लोग फ्यूचर में खोलने वाले हैं अपना रेस्टोरेंट मैं दो दिन कह रही हूँ पेपर दे के देख लूँ सिलेक्शन हो सी ठीक है ना उसी रेस्टोरेंट खोल सू बाल ना कपड़ा को खोल ले मैं खाना को खोल ले ना दीदी बोली मैं थारा प्रमोशन कर दे सू लगे कि मैं पैसा ले सू भाई मैं भी फ्री में खोलना मैं भी फिर पैसा लेंगे हमारी चीज और का जर मड़ गया कहते हैं देख शायद पैसे की मिनट में ही दीदी तो अरे वो तो मैच कर लियो मैं और खाओगे दीदी लो हमारा 11 बजे आने लगी फिर 2 बजे हमारा घर आई है तो 11 बजे तो बा बोल ले मैं उठी हाँ थोड़ी लेट लटी लसीब है जने आराम से जा रही है ना भी थी मोनू के घर पे जाके खा पी के और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़े तय परसों धोगी मशीन से सुखाए थे तो भी नहीं सूखे आज जाके सूखे परसों वाले कपड़े पर आज वाले सूख गए थे आज आई थी हमारी धूप तो गाइस ये चल रहा है हमारे इधर बच्चा पार्टी नीचे है मैं आई थी उनके कपड़े वपड़े समेटने और ये चल रहा है हमारी लाइफ में ससुराल में ये हो रहा है हमारे अभी हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं शायद खाने वाने का टाइम हो रहा है तो मैं नीचे जाती हूँ अभी देखती हूँ बच्चों को भी खाना वाना भी बच्चों के कपड़े वपड़े रखते हैं अभी मेरे किशु की ये वाली कुर्ता पजामा इसको तो थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा अदरवाइज तो इसमें सलवट सलवट हो जाएगी तो करेंगे या फिर प्रेस वाले को भेजेंगे क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है बच्चों में प्रेस प्रेस करने का तो ये बात है गाइज ये चल रहा है हमारे इधर तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए और आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो आप लोगों को नहीं देखना तो यार मत देखो मेरे ब्लॉग फालतू में कुछ भी कमेंट मत किया करो ठीक है जिनको अच्छे लगे वो देखे अदरवाइज मत देखो कोई फोर्स नहीं है किसी को भी तो ये बात है ऐसे अच्छा नहीं लगता आप लोग कुछ भी कमेंट करो बाकी मेरे ब्लॉग में अच्छा उल्टा सीधा कमेंट करने जैसा कुछ होता नहीं है मेरा बच्चों का थोड़ा डेली ब्लॉग में यही चलता रहता है हमारा माँ बेटों का इतना कुछ रहता नहीं है कि आप लोग नेगेटिविटी फैलाओ सो गाइज प्लीज़ नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो मेरे ब्लॉग में या फिर अपना देखना ही बंद कर दो आप लोग जिन लोगों को नहीं पसंद है जो लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे अदरवाइज तो फिर देखो एंजॉय करो मेरी ब्लॉग तो बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सी यू सून आगे क्या करते हैं हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को और बहुत ज़्यादा हो रही है ठंडी हमारे इधर क्योंकि शायद कश्मीर में बारिश पड़ी है उस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इधर बच्चों को मैं पहले पहनाती थी बहुत ज़्यादा ठंडी में 3-3 आजकल मेरे को फिर से पहनाना पड़ रहा है उनको 3-3 अदरवाइज तो 2-2 पहना रही थी पहले एक टी शर्ट उसके बाद एक वो हम ऊपर 2 ही पहना रही थी अभी हो रही है ठंड तो ये बात है गाइज तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय सी यू सून तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपने घर वालों का ध्यान रखिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए अपने बड़े बुड्ढों का ध्यान रखिए